हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी छोले की रेसिपी। इसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से कुकर में बनाया है। होप सो ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मसाले रखे, उसमें मैंने खड़े मसाले लिए, लौंग, इलायची और दालचीनी को मैंने इसमें इस तरह रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ दो कच्चे टमाटर को मिक्सी में पीस के उसका इस तरह पेस्ट रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस से कच्चे प्याज को भी मिक्सी में पीस के उसका इस तरह पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट मिर्ची के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ छोले को रात भर सोख करके उसे ले लिया है। उसके बाद मैं कुकर गरम करने के लिए रख रही हूँ। उसमें मैंने डाला है 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हमेशा छोले को मस्टर्ड ऑयल में बनाओ, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 स्पून जीरा डाल रही हूँ। जब आपका जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए तो यहाँ पे मैं डालूँ 1 चम्मच अजवाइन। दोनों चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले खड़े मसाले। खड़े मसाले को कुछ सेकंड के लिए तेल में हम फ्राई होने देंगे, इससे इसका टेस्ट तेल में अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे 1-2 सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। जब सभी चीज़ें आपस में अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले प्याज का पेस्ट और इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये कच्चा प्याज है तो इसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस के साथ हम इसे कुछ टाइम के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर में ना आने लगे। तो इस तरह हमें इसे हिलाते हुए कुछ टाइम के लिए फ्राई करना है। इसे कम से कम तो 3 से 4 मिनट हमें इसे फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये कच्चा प्याज है अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो इसमें कड़वापन आ जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो आप प्याज को ऐसे ही तेल में फ्राई करके आप मिक्सी में उसे पीस सकते हैं, उससे बहुत कम टाइम में प्याज अच्छे से फ्राई हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और हल्का हल्का तेल भी दिखने लगा है। तब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट। यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे हमें मिक्स करना है। इसे हम ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हम इसे 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच छोला मसाला पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। सभी मसाले को मिक्स करते हुए हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम सारे मसाले को कम से कम तो 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम मसाले को हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि मसाले को अच्छे से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आपका मसाला फ्राई नहीं होता है तो आपकी सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से फ्राई करें। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए और इससे इस तरह तेल ना आने लगे। तो देखिए हल्का हल्का तेल मसाले से दिखने लगा है, तो इसे हमें कुछ टाइम के लिए और फ्राई करना है और इसमें ऐड कर देना है छोला। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोला ऐड कर दिया है। अब इसे छोले के साथ ही हमें कम से कम तो 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पे या आप चाहे तो हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा छोला भी फ्राई हो जाएगा साथ में, तो इससे इसमें अच्छा टेस्ट आएगा।
अब यहाँ पे हम डाल देंगे, हमारा छोला फ्राई हो गया तो हम यहाँ पे डालेंगे एक गिलास पानी। पानी हमें छोले में उतना ही डालना है जितना कि आपका छोला अच्छे से पानी में डूब जाए, उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर हमारा ग्रेवी पतला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल लिया है, अब इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। कुकर को बंद करके कम से कम तो 6 से 7 सीटी आने तक वेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा कुकर 6 से 7 सीटी हो गया है और इसका स्टीम भी निकल गया है, तो मैं इसे ओपन करूँगी। तो यहाँ पे कुकर को मैं खोल रही हूँ, तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी छोला बना है ना, बहुत टेस्टी और परफेक्ट ग्रेवी के साथ है। इससे ज़्यादा ना ही मुझे ग्रेवी चाहिए और ना ही इससे टाइट चाहिए। तो ये हमारा सिंपल छोला की रेसिपी बन के रेडी है। हो तो ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।